आइए बोलिए। अभय कहाँ है? तू अपने कमरे में आराम कर रहा है। एक्चुअली कल हम सब बाहर डिनर के लिए गए थे, थोड़ा लेट हो गए इसलिए थोड़ा थक गया है। उदय, तूने बहुत अच्छा किया। लीजा ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, और लीजा की सच्चाई दुनिया के सामने आने से पहले उमा की शादी कर देनी है। आप ठीक कह रहे हैं जी, अगर ये बात फैल गई तो कोई भी हमसे रिश्ता करने को कतराएगा। हमें उमा की शादी जल्दी करनी है जी। मैंने अपने दोस्त राजीव के बेटे से उमा की शादी की बात चलाई है। राजीव? हाँ बाबूजी, इनका परिवार विदेश में रहता है और उन्हें एक हिंदुस्तानी लड़की की तलाश है। लड़के के पास वक्त नहीं, इसलिए उसने पूरी जिम्मेदारी अपने माँ बाप को सौंप दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। अरे साहब, मामलो एकदम फिट है, वो लोग इंडिया में भी आ गए हैं। अपनी उमा बिटिया को देख भी लियो है, और देख का लियो है, अपनी उमा बिटिया को एकदम पसंद कर लियो है साहब, है कि नहीं? ये उमा कहाँ चली गई? और करती भी क्या बिचारी, शादी तो हो रही है उमा की, लेकिन उस बिचारी को किसी ने पूछा तक भी नहीं। रेखा, इन्होंने जो भी रमा भाभी, आज तक रणबीर भाई साहब ने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं वो गलत ही लिए। बिचारी उमा, शादी उसकी हो रही है लेकिन उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा ना हो रमा भाभी कि यहाँ पर आप अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं और रियलिटी में उसका घर उजड़ रहा हो। रेखा, बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। मैं तो जमाने की हालत देखकर एडवाइस कर रही हूँ रणबीर भाई साहब, फिर आप लोग जैसे आप ठीक समझे। रेखा, जरूरी नहीं कि इंसान का हर फैसला गलत साबित हो। बेटे, तुम्हें अगर ये सारी बातें ठीक लग रही हो तो मैं उमा के शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जी बाबूजी, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द बाबूजी।